गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हमने बात की थी रॉक करार असेंबली को डिसमेंटलिंग करने की, आज हम बात करेंगे रॉक करार असेंबली जो डिसमेंटलिंग की हुई है उसको असेंबल किस प्रकार से करना है। जैसे कि हमने कल असेंबल किए हुए थे जो पार्ट्स, कल हमने असेंबल करके रखे हुए थे, उन्हीं को हम आज रिफिटेड करेंगे। जैसे कि ये रॉकर शाफ्ट है हमारे पास, रॉकर शाफ्ट को हेड के ऊपर जहाँ पे इसका जगह बनी हुई है वहाँ पे इस रॉकर शाफ्ट को रखेंगे। उसके बाद में रॉकर्स को लगाएंगे और रॉकर्स के बाद में स्प्रिंग्स को लगाएंगे। पहले रॉकर्स लगेगा, बॉल के ऊपर रॉकर को फिट करेंगे, उसके बाद ये जो रॉकर स्प्रिंग है इसको हम इसके बीच में लगाएंगे और धीरे धीरे पुश करने के बाद में इस प्रकार से हम स्प्रिंग था, रॉकर स्प्रिंग था, रॉकर को फिट करते हैं। इस प्रकार से हम रॉकर तथा रॉकर स्प्रिंग को रॉकर आर्म असेंबली पे फिट करेंगे। फिट करने के बाद जो हमारे शाफ्ट को, रॉकर शाफ्ट को लॉक करने के लिए स्क्रूज या बोल्ट्स दिए हुए हैं उनके द्वारा इसको लॉक करेंगे। इस प्रकार से हम रॉकर शाफ्ट के जो स्क्रू लगे हुए हैं, बोल्ट्स लगे हुए हैं, उनको टाइट कर देंगे। इसके बाद जैसे हम रॉकर स्प्रिंग को नए प्रयोग किए, रॉकर्स नए प्रयोग किए, तो अब हमें क्या करना है, जब जैसे ही हेड को हम गाड़ी के ऊपर लगा होगा, इंजन ब्लॉक के ऊपर फिट होगा, फिट होने के बाद में इसको क्या करना है, हमने इसकी टेम्पर क्लीयरेंस सेट करनी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने इसकी इन बॉल लॉकर्स को फिट करने के बाद में टेम्पर क्लीयरेंस किस प्रकार करना है, मतलब बॉल के खुलने का और क्लोज होने की स्थिति, और उनके कितना खुलने में गैप रहेगा, कितना क्लोज होने में गैप रहेगा, वो उसको बोलते हैं हम टेम्पर क्लीयरेंस। वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।